माँ दुर्गा जी की आठवीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के आठवें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इन्होंने भगवान शिव के वरण के लिए कठोर संकल्प लिया था। इस कठोर तपस्या के कारण इनका शरीर एकदम काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न और संतुष्ट होकर जब भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मलकर धोया, तब वो विद्युत प्रभा के समान अत्यंत कांतिमान गौर हो उठा। तभी से इसका नाम महागौरी पड़ा। इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमय, त्रैलोक्य पूज्या, शारीरिक मानसिक और सांसारिक ताप का हरण करने वाली माता महागौरी के नाम से जाना जाता है। इनकी शक्ति अमोघ है और ये सद्य फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी पाप धुल जाते हैं। देवी महागौरी की उपासना से इस जन्म के ही नहीं पूर्व जन्म के पाप भी कट जाते हैं। यही नहीं, भविष्य में पाप संताप दैन्य दुख कभी भक्त को परेशान नहीं करते। देवी गौरी का उपासक पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। माँ महागौरी का वर्ण पूर्णतः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत होते हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ यानी कि बैल है। माँ गौरी के ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है, जिनके स्मरण मात्र से भक्तों को अपार खुशी मिलती है। इसलिए इनके भक्त अष्टमी के दिन कन्याओं का पूजन और सम्मान करते हुए महागौरी की कृपा प्राप्त करते हैं। ये धन वैभव और सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है।